प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रोटेटिंग ट्यूब फिल्ड विद अ लिक्विड? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने, सुनने में सिंपल लगता है कि जो मेंस की प्रॉब्लम आई इसमें सिंपल ये लिखा हुआ था, एक ट्यूब है, एक ट्यूब हॉरिजॉन्टली घूम रही है, अंदर लिक्विड है, लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कम लिक्विड है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखूंगा और यहां से ट्यूब बंद है, यहां से ट्यूब ओपन है, तो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, पानी नीचे गिरेगा ऑब्वियसली। तो अब इस केस में अगर पानी नीचे गिरेगा तो उस केस में मैंने इसको गोल घुमाना शुरू कर दिया, तो मैंने इसे गोल घुमाना शुरू कर दिया। जब मैं इसे गोल घुमा रहा हूं ना, तो ऐसे केस में पानी गिरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि गोल घुमाने से सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट करेगी? ट्यूब के ऊपर टुवर्ड सेंटर, और लिक्विड के ऊपर क्या लगेगी? सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। तो इस चक्कर में पानी पीछे की तरफ रहेगा, आगे आएगा नहीं। अगर आपने स्लो कर दिया या घुमाना बंद कर दिया, फिर लीक होकर नीचे गिर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज गोल घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो इमेजिन करो यहां पर ट्यूब खाली है, ट्यूब का पानी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक है। आपको ए पॉइंट का प्रेशर बताना है, क्या है? कोई भी पॉइंट दे देगा अंदर ट्यूब के, यहां का प्रेशर बता दो क्या है। अब ये जो पॉइंट है, ये एक्सिस से कितनी दूरी पर है? एक्स। तो एक्स डिस्टेंस पे कोई ए पॉइंट है, वहां पर आपको प्रेशर निकालना है, क्या है? पॉइंट ये है कि प्रेशर यहां पे अलग है, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग है। तो मेरे को अगर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां पे हवा है, यहां पे हवा है, पानी तो है नहीं, तो यहां पर क्या है? ओपन ट्यूब है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ले लिया किसी पॉइंट का, यहां पे प्रेशर क्या है? पी ऑफ ए है। प्रेशर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स ज्यादा लगती जा रही है। क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, मान लो एक मैंने आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, जिसकी लेंथ क्या है? डी आर है, और जिसकी दूरी क्या है? एक्सिस से आर है, एक्सिस से आर दूरी है। और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस कितना है? डी पी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, क्योंकि सूडो फोर्स पीछे की तरफ, आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन, तो प्रेशर ज्यादा लगता रहेगा पीछे पीछे भी जाने में। यहाँ पे कम है, कम, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ आने में चेंज इन प्रेशर क्या है? डी पी। जब भी हम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर लगाते हैं और फॉर्मूला एच रो, देखो वर्टिकल में फॉर्मूला पता है एच रो जी है, हॉरिजॉन्टल के अंदर डीपी इस स्मॉल प्रेशर डिफरेंस में हम फॉर्मूला लगाएंगे एच रो जी, नहीं एच की जगह लेंथ क्या है इसकी? डीआर, डीआर, रो जी तो होता ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में ट्यूब घूम रही है और इस एलिमेंट की दूरी यहां से आर है और ओमेगा के साथ घूम रही है, तो एक्सेलरेशन की जगह आर ओमेगा स्क्वायर, एच रो जी नहीं, एच की जगह स्मॉल लेंथ डीआर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस स्मॉल लंबाई में है, स्मॉल लेंथ में dp, तो dr इंटू रो h, रो g की जगह r ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेप समझ में आया? h रो g की जगह हमने क्या लगाया इसमें? स्मॉल डिस्टेंस लेते हुए, डेंसिटी लेते हुए, एक्सेलरेशन लेते हुए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आ गया। अपने को टोटल प्रेशर डिफरेंस निकालना है, कहां से कहां निकालना है? मान लो एक पॉइंट ये ले लिया आपने, जिसका एक्सिस से दूरी कितनी है? L1 है, और एक पॉइंट आपने x ले लिया, तो dr की लिमिट क्या लगेगी? L1 से x। L1 डिस्टेंस पे प्रेशर है P एटमोस्फेरिक, L1 डिस्टेंस पे प्रेशर है P एटमोस्फेरिक, और X डिस्टेंस पे प्रेशर है PA जो निकालना है, बस इसे इंटीग्रेट करो, PA माइनस P एटमोस्फेरिक, R स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करो, आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन तो देखो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आया हुआ, बट हाँ मैंने आपको बता दिया ये पहला स्टेप यूज किया गया है उसमें, क्वेश्चन ईजी आया है पर पहला स्टेप उसमें ऐसे यूज किया। तो जब भी लिक्विड हॉरिजॉन्टल ट्यूब में घूमेगा तो उसका प्रेशर डिफरेंस किसी भी एलिमेंट का ऐसे ही निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे सोच सकते हैं। ठीक, ये नहीं करना अभी।